नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की है जिसमें कि हम राजस्थान जीके के ऐसे एमसीक्यू जो कि पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनको हम रोजाना डिस्कस करते हैं। तो आज के जो प्रमुख एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो विजय सिंह पथिक वो कौन सी जेल में थे? टोडगढ़ जेल में रखा गया था, तो ये सही है। अर्जुन लाल सेठी को कौन सी बेलूर जेल में रखा गया था? ये भी सही है। केसरी सिंह बारड को हजारीबाग जेल में रखा गया था, ये भी सही है। जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं रखा गया, ठीक है, तो ये कथन गलत है। तो बरेली जेल में किनको रखा गया था? वो थे प्रताप सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड को रखा गया था बरेली जेल में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बरेली जेल में किनको रखा गया था? प्रताप सिंह बारड को। अगला प्रश्न है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। कब हुई? 1947 में हुई। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी शांता त्रिवेदी ने। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में उदयपुर में शांता त्रिवेदी ने की। नेक्स्ट है कि जमुना लाल बजाज ने किनकी स्थापना की? तो जमुना लाल बजाज थे, उन्होंने की थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? जमुना लाल बजाज ने। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? वो थे आउवा से। आउवा से के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह आउवा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली डायनेस्टीज ऑफ अर्ली चौहान डायनेस्टीज अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो मेवात के अलवर में जो जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे वो थे लालदास जी, ठीक है। तो लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर के धोली दुब गाँव में। कहाँ हुआ था? अलवर के धोली दुब दूब गांव में हुआ था लालदास जी का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजलास खास का गठन किया था, तो इजलास खास का गठन किन्होंने किया था? वो किया था उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने। तो इजलास खास का गठन किन्होंने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हस्तशिल्प दिए गए हैं और वो कहाँ के है प्रसिद्ध है, उनके स्थान दिए गए हैं, इनको मैच करना है, ठीक है। तो बादला, बादला कहाँ का प्रसिद्ध होता है? बादला है जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का। नमदा, नमदा कहाँ का है? वो है टोंक का। नमदा कहाँ का है? टोंक का। पाव रजाई, पाव रजाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है जयपुर। खेसला, खेसला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह है लेटा, ठीक है। तो ये मैच करके लिखा है हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो थे राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट है कि सीताराम लालस का संबंध रहा है तो राजस्थानी शब्दकोश से। तो राजस्थानी भाषा शब्दकोश किन्होंने लिखा था? सीताराम लालस ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा था सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है उनका नाम है स्वांगिया माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता। आगे देखते हैं बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे वो थे महाराव राज राजा बहादुर सिंह। तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे वो थे महाराव राजा बहादुर सिंह। आगे हम देखते हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? वो है जयपुर में। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट है कि बैंगटी गांव फलोदी में कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो बैंगटी गांव फलोदी में किनका मंदिर है? वह है हड़बू जी का। तो बैंगटी गांव फलोदी में किनका मंदिर है? हड़बू जी का। नेक्स्ट है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ है गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ है गंगानगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति के लोग होते हैं ना, वो लड़की का जब विवाह होता है उस समय अपने घर की दीवार पर लोक देवी के चित्र बनाते हैं। इन चित्रों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भराड़ी। तो भराड़ी क्या होता है कि भील जनजाति के लोग अपने घर पे लड़की के विवाह के समय
दीवार पर लोग देवियों के चित्र बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? भराड़ी। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पार्डन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किनका स्मारक बना हुआ है? ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका पहला द्वार कौन सा है? पार्डन पोल। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला द्वार क्या कहलाता है? पार्डन पोल। उसके पास जो चबूतरा है उन पर किसका स्मारक बना हुआ है? उन पे बना है रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, तो पार्डन पोल के पास जो चबूतरा है उन पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो सूचियां दी गई है, इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंभा। कुंभा ने क्या लिखा था? संगीत राज। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, कुंभा संगीत राज। ठीक है, तो इस हिसाब से मैच करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि गोविंद, गोविंद उन्होंने उनसे संबंधित क्या है? द्वार दीपिका। क्या है? द्वार दीपिका। नाथा, नाथा से संबंधित क्या है? वास्तु मंजरी। क्या है? वास्तु मंजरी। मंडन, मंडन से संबंधित है देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। और महाराणा कुंभा से संबंधित है संगीत राज। तो इस हिसाब से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट की लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? वह जंतर। ठीक है, तो जंतर वाद्य यंत्र उपयोग में आता है देवनारायण जी की फड़ गाते समय। नेक्स्ट है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वह कहलाता है? तो घर की स्त्रियों के द्वारा जो वर वधु की जो का लोक नाट्य किया जाता है उसे कहा जाता है टूटिया। टूटिया, टोटकी या खोड़िया, ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज आते हैं। तो उसके लिए जो लोक नाट्य होता है उसे क्या कहा जाता है? टूटिया, टोटकी या खोड़िया। नेक्स्ट है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो वह है सर्वहितकारिणी सभा की। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी गोपाल दास ने 1907 में, और कहाँ की थी? चूरू में की थी। तो ये चीजें याद रखनी है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में और चूरू में की थी। नेक्स्ट है कि कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो कवि और चित्रकार जो नागरी दास है, नागरी दास का असली नाम क्या था? वह राजा सावंत सिंह। ठीक है, वो कहाँ के? किशनगढ़ के थे। और उनके दरबार में कौन थे? मोर ध्वज निहाल चंद, जिन्होंने की क्या बनाया था? बनी ठनी। ठीक है, तो नागरी दास किनका नाम था? वह राजा सावंत सिंह का। नेक्स्ट की जयदयाल सोनी और चेतराम इनका संबंध किससे है? तो जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। किन से? तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है जयदयाल सोनी और चेतराम। तो जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। नेक्स्ट हम देखते हैं कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पॉटरी से। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पॉटरी से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो खातोली का युद्ध हुआ था 1517 में, सही है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये भी सही है। हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में, ये भी सही है। लेकिन शामिल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था, ये गलत है। तो सुमेलित नहीं है, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए? तो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए वह बैराट सभ्यता से। इम्पोर्टेंट है कि यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? वह बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के। नेक्स्ट के फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन थे? तो फतुहात ए आलमगीरी के लेखक थे ईश्वरदास नागर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किन्होंने की थी? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।